हम आगे छत पे जो मारे हैं जो परिंदे हैं, अभी तक मैंने इनको बाहर नहीं निकाला क्योंकि आज भी मौसम जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बारिश का बना हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, इस वजह से मैंने आज मास्टर केज के अंदर ही जो है अभी तक मैंने अपने परिंदों को बंद किया हुआ है, क्योंकि तरपाल वगैरह जो है ना वो मैंने अभी तक नीचे किए हुए हैं, लाइट ऑन किए हुए हैं। मैंने कहा चलो थोड़ा सा दाना वगैरह खा लें, फिर लाइट बंद कर देंगे, थोड़ा सा आराम भी कर लेंगे दिन के टाइम भी। ठीक है, दाना वगैरह खा लें इंशाल्लाह, फिर इनको लाइट बंद कर देंगे ताकि ये अपनी जगह पे बैठ जाएं, उनको ठंड ना लगे। ठीक है, मुर्गियों को मैंने यहीं पर अंदर ही दाना डाल दिया। ठीक है, छोटे चूजे वहाँ पर हैं, तो अभी ये पर्दा जो रहता है इसको ही मैं आगे कर दूंगा। तो हमारे जो कॉकटेल हैं दोबारा इन्होंने बच्चे निकाले थे, एक जो पहले वाले बच्चे थे ना दोस्तों, ठीक है, जो बड़े वाले बच्चे, उसने एक ना छोटा वाला बच्चा उठा के बाहर फेंक दिया था, तो वो मर गया बेचारा। अभी भी जो है ना वो मटकी में घुसा हुआ है पीला वाला, तो कोई काम ख़राब करने पर लगा हुआ है, तो इनको देखता हूँ मैं। ठीक है, तो क्योंकि अब उड़ने लग गए हैं तो उड़ के जो है ना उधर बैठ जाती है, तो माँ भी इनको कुछ नहीं कहती क्योंकि उसके बच्चे हैं। तो सही तरह उन्होंने फीड वगैरह कराई है, माशाल्लाह पाले हैं दोनों, तो अभी बैठे हुए हैं। अभी मटकी में गया हुआ पीला वाला, अभी देखता हूँ अभी। और यहाँ पर लव बर्ड का भी देखते हैं, काफ़ी दिनों से ये जो है ना अंदर मटकी में इनकी फ़ीमेल बैठी हुई है, अभी मेल और फीमेल दोनों अंदर गए हुए हैं, अभी चेक करते हैं इन्होंने क्या किया है। ठीक है जी, इनका भी चेक करते हैं। और बाकी फिशन और इस साइड पे जो कॉकटेल है इन्होंने कोई रिजल्ट नहीं दिया क्योंकि अंडे बार बार फेंक देते हैं एक दूसरे के, नीचे वाले भी सोचता है अभी, इनका भी कुछ करते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो जो है हमारी वाइट वाली मुर्गी है दोस्तों, वो बीमार अभी तक सेट नहीं हुई अभी तक। ठीक है, तो आज फिर मैंने उसे मेडिसिन दी है ताकि वो सेट हो जाए थोड़ी सी, और मैंने कहा चलो देखते हैं साथ साथ। ठीक है, बच्चे निकाले हैं अंडों में से या नहीं वो देखते हैं अभी। अभी कॉकटेल का मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है, दो अंडे पड़े हुए हैं, एक छोटा सा बच्चा भी इसमें पड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये देखें, और एक बच्चा तो इन्होंने मार दिया था पहले वाले बच्चों ने। और लव बर्ड का भी मैंने चेक किया, वो पाँच अंडे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये देखें माशाल्लाह, ये पहले वाले बच्चे हैं, ठीक है, रेड आई में, और इसके साथ ये दूसरा बच्चा है ग्रे में। ठीक है, और ये माँ बाप है इनके दोनों। ठीक है दोस्तों, ये अभी ओढ़ लेते हैं ना तो मटकी में घुस जाते हैं, तो फिर यहाँ से इन्होंने काम ख़राब कर दिए। अभी मैं दूसरे को भी चेक करता हूँ वो भी ज़िंदा है कि नहीं। ये देखिए जी, इनकी मटकी मैंने बाहर निकाली है, ठीक है, तो उसमें दो अंडे जो है ना वो ख़राब हो गए। ठीक है, टोटल इन्होंने दिए थे पाँच अंडे। ठीक है, तो एक पहले ही इन्होंने तोड़ के बाहर फेंक दिया था बच्चों ने, जिसमें से दो बच्चे निकले थे। ठीक है, एक पहले मार गया था, एक अभी ये मार गया। ठीक है, मुझे लगता है पैरेट ने ही मारा होगा इसको, मटकी में ही पड़ा हुआ था, और दो अंडे जो हैं वो ख़राब है। ठीक है, तो ये बेचारे इस दफ़ा नहीं पाल सके। उन बच्चों को जो है ना मैं यहाँ अलग करता हूँ, अलग केज के अंदर इनको बंद करते हैं, क्योंकि ये दोबारा जो है ना बच्चों को जब वो अंडे देंगे तो फिर से मारेंगे। हालांकि इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पाला है, जिस मेल ने अभी दिए थे ना, जोड़े ने अभी एग्स दिए थे जिसने, तो उन्होंने इन दोनों को बड़े अच्छे तरीके से फीड वगैरह की है माशाल्लाह, काफ़ी अभी तक फीड कराते हैं इनको, खुद भी खा लेते हैं लेकिन अभी तक जो है ना वो फीड खुद भी करते हैं और माँ बाप भी इनको कराते हैं। तो पता नहीं इन्होंने क्यों ऐसा किया, तो दो और आ जाते हैं हमारे पास, तो दो अंडे तो ख़राब हैं दोस्तों। ठीक है, तो बाकी लव बर्ड में जो है ना वो मैंने चेक किए, अभी तक पाँच अंडे पड़े हुए हैं। तो मेल बैठी रहती है, ठीक है, वो मेल भी बैठा रहता है और फीमेल भी जो है ना वो अंदर बैठी रहती है। ठीक है, दोनों अभी भी जो है ना वो फीमेल जो है वो अंदर गई हुई है, बैठ गई है, फिर से बाहर आ गई है। तो ये सीन लगा हुआ है, चले देखते हैं वो क्या करते हैं। पांच एग तो हो गए उनके, तो अभी इसको मैं अपनी जगह पे दोबारा लगा देता हूँ। ठीक है, तो अच्छा बच्चा था येलो कलर के, दोनों येलो कलर थे, ये चेक करें दोनों येलो कलर के थे माशाल्लाह। वाइट वाली मुर्गी को मैंने इधर छोड़ा, मैंने कहा यार चलो इसे घूम फिर ले यार, तो काफ़ी जो है ना चारी की तबीयत ख़राब थी, तो अभी भी उसी कंडीशन में, उस तरह नहीं भाग रही जैसे कि पहले भाग रही थी। खाना पीना इसने बिल्कुल बंद किया, अभी मैंने इसको ज़बरदस्ती जो है ना वो दूध में जो है ना वो रोटी के बोरे मिला के इसको नरम करके खिलाए हैं ज़बरदस्ती, खुद ही हाथ से मैंने, तो फिर दवाई वगैरह मैंने पिलाई है, तो देखते हैं क्या बनता है इसका। बाकी जो पिजन्स हैं वो हमारे जो है ना वो खा रहे हैं, दाना वगैरह खा रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा चलो आपको जो है वो आज की अपडेट दे देते हैं परिंदों की। तो कॉकटेल्स के नए बेबी आए थे लेकिन वो मर गए बेचारे,
तो ये थे जी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।